हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक नए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो है जम्मू कश्मीर। पहले ये स्टेट था 1947 से 31 अक्टूबर 2019 तक, पर अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ये खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही, पर ये अपनी वुलर लेक के लिए भी फेमस है। तो आइए पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट पॉइंट में है। यहाँ से लोकसभा में 5 सीट है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ से 4 सीट है, और ये एक ऐसा यूटी है दिल्ली और पांडुचेरी की तरह, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा है, और यहाँ की विधानसभा में 114 सीट है, पर विधान परिषद नहीं है। पहले विधान परिषद थी जब ये स्टेट था, पर अब नहीं है। अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अभी कोई सीएम नहीं है। यहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। तो चलिए यहाँ के सिंबल की बात करें तो यहाँ का फ्लावर है लोटस, यहाँ का एनिमल है हंगुल, ये कश्मीरी डियर है। अगर बर्ड की बात करें तो वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो चलिए अब रिवर्स की बात करें तो झेलम यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है, और झेलम के किनारे इसकी कैपिटल श्रीनगर है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग से निकलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ये नदी वुलर झील से निकलने के बाद मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर बहती है, और ये पाकिस्तान में जंग के एक जगह है उसके निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। अब बात करें चिनाब नदी की तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। चिनाब नदी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। जब ये वहाँ से शुरू होती है तो इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, और यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के एयरपोर्ट के बारे में। तो जम्मू एयरपोर्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ के इम्पोर्टेंट स्टेडियम की बात करें तो यहाँ का शेर ए कश्मीर स्टेडियम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ के टेंपल्स की बात करें तो सबसे फेमस टेंपल है अमरनाथ, बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है ये, हर साल लाखों लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ ज्योतिर्लिंग बनता है। इसके बाद माता वैष्णो देवी का टेंपल, ये जम्मू में है कटरा ज़िले में, तो अगेन ये बहुत फेमस है, आप सबको पता ही है। तो चलिए अब नेशनल पार्क देखें तो यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे यहाँ सलीम अली नेशनल पार्क है, फिर उसके बाद दांचीग्राम नेशनल पार्क, यहाँ आपको हंगुल्स देखने को मिलेंगे, डियर देखने को मिलते हैं। उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है यहाँ। अगर अब यहाँ के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो फोक डांस है, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो है राउफ डांस। इसके अलावा कुड डांस भी यहाँ पर होता है, ये भी फेमस है। अगर यहाँ के फेस्टिवल्स की बात करें तो मकर संक्रांति, बैसाखी, तिहार, होली, ये फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया है तो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में सेम फेस्टिवल्स हैं। अगर यहाँ की ट्राइब्स देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो देखने को मिलती है वो है बालती, बेदा, मोन, गुज्जर, और बाकी हमने लिस्ट डाली है, आप देखिएगा। तो ये सब ट्राइब्स यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आज हमने डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।